जय हो श्री कृष्ण भगवान की। दूसरा अध्याय संजयवाद। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः प्रन्तप नायोत्स इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश परहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विदिशन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान वाच अशोच्यान शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासून सृष नानु शोचन्ति पंडितः। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्र न मुह्यति। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख दह आगमा पाइनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्तः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वं यो तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तो तद्विद्वी येन सर्वमिदं ततम विनाशाय अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्तः शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युधय सव भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। या एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम
उभी तो ना वही जानी तो नायम हंती न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय है अजो नित्य है शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम जव्ययम कथम स पुरुष है पार्थकम घात्यति हंतिकम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। शेष भाग अगली वीडियो में।